आपके साथ। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। हर कोई इस खबर से मर्माहत है। बिहार के पूर्णिया में अपने लाल को खोने का मलाल भी सब में दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर एक तबका एक ही सवाल कर रहा है, ऐसा कैसे हुआ। पूर्णिया में हर आम और खास शख्स ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही मृत आत्मा की शांति की कामना भी की है। पूर्णिया कला भवन में शोक सभा आयोजित हुई, जिसमें सदर विधायक विजय खेमका, पूर्व मंत्री सह धमदाहा विधायिका लिसी सिंह के अलावा जिला परिषद अध्यक्ष क्रांति देवी सहित सैकड़ों राजनीतिक व गैर राजनीतिक लोग पहुंचे। मौके पर विधायक लेसी सिंह ने मामले में जांच की बात भी कही है। बहुत बड़ी क्षति है पूर्णिया के, मिट्टी के लाल थे सुशांत जी, आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे। उन्होंने कम उम्र में, कम अवधि में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की। बॉलीवुड में एक चमकता सितारा के रूप में उभरता हुआ चेहरा था। उनके जाने से हम सब लोग पूर्णियावासी, ऐसे तो पूरे राज्य देश के उनके चाहने वाले, उनको जानने वाले दुखी हैं, लेकिन हम सब लोग पूर्णियावासी काफ़ी मर्माहत हैं, क्योंकि जब भी उनकी चर्चा होती है सबसे पहले पूर्णिया की चर्चा होती है कि पूर्णिया के मिट्टी के लाल थे। हम सब लोगों को ये गौरव प्राप्त था, लेकिन उनको इतने कम समय में जाना था। हम सब लोगों के बीच यादें छोड़ के गए हैं। हम सब लोग काफ़ी मर्माहत हैं, दुखी हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके मृत आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। हम लोग यही आज के दिन प्रार्थना करते हैं। आज उनके चित्र पर हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। हम सब लोग काफ़ी दुखी हैं, इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं अपने वाणी से। सभी लोग दुखी हैं। मौत पर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं कि हत्या है या आत्महत्या, ऐसे कोई मांग में कैसे उनकी, उनको विवश होना पड़ा खुदकुशी करने के लिए। ये तो अब जांच का विषय है। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, नहीं तो इतने कम उम्र में और इतना ख्याति प्राप्त कर चुके थे और उनका यूँ ही चला जाना हम सब लोगों को खल रहा है। कौन सी परिस्थिति हुई, क्यों इस रूप में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इसका तो जांच होना ही चाहिए। जो भी उच्च स्तरीय जांच है केंद्र सरकार की, उस संस्था से जांच होनी चाहिए। ये हम सब लोग पूर्णियावासी मांग करते हैं। सुशांत राजपूत, सिर्फ सुशांत ही नाम नहीं उसका, पूर्णिया का लाल, जिस लाल ने पूर्णिया के नाम को पूरे देश और विश्व में रोशन किया, ऐसा लाल अपने बीच आज नहीं रहा। पूरा पूर्णिया, मैं भी मर्माहत हूँ, पूरा पूर्णिया अपने ऐसे लाल को खो करके आज बहुत मर्माहत है। हम सब दुखी हैं और इस कला भवन में आज उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए सारे लोग उपस्थित हुए हैं, और उनको मैं श्रद्धांजलि देते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस लाल ने कम समय में अभिनय की दुनिया में जो नाम किया, इसके 13-13 फिल्म, ऐसे फिल्म बनी जिसको कि कोई नौजवान, कोई भी व्यक्ति देखने के लिए आतुर था, ऐसा नौजवान हमारे बीच आज नहीं है। उनके परिवार को भगवान ऐसी घटना की शक्ति दे सहन करने की, उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस लाल के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, जो मुस्कुराहट को सारे लोगों के चेहरे पर देना चाहता था, और इस पूर्णिया के नौजवानों जो उनके प्रिय थे, उतने ही पूरे देश के नौजवान उनके प्रिय थे। ऐसे नौजवान के नहीं रहने से फिल्म जगत में ही नहीं, पूर्णिया में और देश में अपूर्णीय क्षति।